महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अजित पवार गुट ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 38 कैंडिडेट्स के नाम हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार बारामती से चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा में यहां से सुप्रिया सुले ने जीत दर्ज की थी। सुप्रिया सुले ने अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा को हराया था। इससे पहले शिवसेना शिंदे गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें 45 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया था। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कोपड़ी पाच पखाड़ी से चुनाव लड़ने वाले हैं। वहीं मंत्री उदय सामंत रत्नागिरी से चुनावी मैदान में है। माहिम से सदानंद शंकर चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट, बीजेपी और एनसीपी अजित पवार गुट की सरकार है। इन तीनों के गठबंधन का नाम महायुति है। महायुति अब तक 288 में से 144 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। 20 अक्टूबर को बीजेपी ने 99 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की थी। लिस्ट में 79 विधायकों के टिकट रिपीट किए गए हैं। इसके मुताबिक डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम से, जबकि महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर कामठी से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर कुलाबा से चुनावी मैदान में हैं। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर 2024 को खत्म हो रहा है। इसी के चलते 20 नवंबर को राज्य में मतदान होगा, वहीं 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट।